में चैनल में आपका स्वागत है। देखिए अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे होगी। ये मैं अस्तर ले ली हूँ साटन का, और ये मेन कपड़ा जिसकी ये पहले मैं अस्तर पे कटिंग करूँगी, फिर आपको सूट पे कटिंग करना बताऊँगी। इसको पहले साइड में करती हूँ, फिर ये है साटन का कपड़ा। इसको मैं पहले ये सलवार में का अस्तर दोनों से दिया था इकट्ठे, मैं इसको कटिंग करके अलग की हूँ। अभी सलवार की कटिंग करना है, पहले कमीज की कटिंग करना आपको बताऊँगी। ये मैं मेन कपड़े ले ली हूँ, अब इसको अब पहले मैं आगे वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। अब इसको पहले डबल फोल्ड में मैं बिछा ले रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैं देख रही हूँ कितना ली हूँ, इसकी चौड़ाई मैं ली हूँ 12 इंच। तीरा मैं इसमें ले रही हूँ 6.5 इंच। आदमोल मैं इसमें ले रही हूँ 7 इंच। सीना ये मैं ये बनाऊँगी, चेस्ट रहेगा 18 का 18 का, ये 38 करेगा। चौथाई हिस्सा मैं ले रही हूँ 9 इंच, 9 इंच पे मार्क कर देना है। और यहाँ पे 1/2 इंच फ्रंट में डाउन कर देना है। अब ऊपर से 13 इंच पे एक मार्का लगेगा, एक 20 इंच पे मार्का लगा देना है। अब इसको सीधा मार्का लगा देना है पहले। ये 13 इंच या 14 इंच पे कमर लगती है। अब कमर का चौथा हिस्सा मैं ले रही हूँ, यहाँ पे 16 का कमर है तो मैं इसका चौथा हिस्सा ले रही हूँ 8 इंच मार्का कर दे। हिप मैं इसमें ले रही हूँ 9.5 इंच, 19 इंच का है हिप। अब यहाँ पे अब टोटल इसकी लंबाई मैं बनाऊँगी, कमीज की देखती हूँ कितना देख के रखी हूँ। टोटल लंबाई मैं बनाऊँगी 35 इंच का, किसी कस्टमर का मैं इसको स्टील रही हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे 36 इंच पे मार्का लगा रही हूँ। अब घेरा मैं ले रही हूँ, इसमें 10 इंच 20 का घेरा बनेगा नीचे के साइड। अब यहाँ से सीधा इसको मार्का कर देना है। अब फंटी लेना है, अब यहाँ पे इसको रखना है और यहाँ से इसको ऐसे मार्का मिला देना है। इंच एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए तुरपाई वाला मैं बनाऊंगी। और नीचे के साइड में मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा। गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंच, लंबाई मैं ले रही हूँ इसमें 7 इंच। इसमें मैं बी गला बनाऊंगी। अब ऐसे तीरा हल्का सा डाउन कर देना है। अब यहाँ पे हारमोल की गोलाई बना देना है। अब इसको कटिंग करके निकाल देना है। पहले आगे वाले पार्ट की कटिंग कर देना है। अब नीचे से भी कटिंग करके निकाल देना है। अब इसको फ्रंट वाले पार्ट को आगे ले लेना है। अब इसको जो बचा हुआ है इसको भी डबल फोल्ड में बिछा देना है। अब पीछे वाले पार्ट कटिंग कर देना है। बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला लेना है।
अब इसको मैं डबल फोल्ड में बिछा ली हूँ। अब आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल सेंटर से मिला के, बिल्कुल सेंटर से मिला लेना है। अब इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब इस तरह कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। अब इसको पहले साइड में करना है, मेन कपड़े को लेना है, फिर इसके ऊपर इसको बिछा देना है। अब इसको सेंटर से सेंटर मिलाना है और पहले आगे वाले पार्ट की कटिंग करना है। अब इसके ऊपर इसको बिछा लेना है। पहले एक बार लंबाई चेक कर लेते हैं टोटल कितना है। टोटल इसकी लंबाई 1.5 मीटर। इसको नीचे करना है और इसको बराबर से इसको बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला लेना है और आगे वाले पार्ट की कटिंग करके निकाल देना है। अब ये आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है, पीछे वाले पार्ट को कटिंग कर लेना है। और जो बचा हुआ कपड़ा है इसको इसको डबल फोल्ड में बिछा देना है। और जैसे आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई, ऐसे पीछे वाले भी पार्ट को कटिंग कर लेना है। चौड़ाई चेक कर लेना कितना है। अब इसके ऊपर इसको बिछा लेना है। यहाँ पे इस तरह मैं नीचे के साइड ले रही हूँ फोल्ड के लिए पीछे वाले पार्ट में। अब यहाँ से इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब जैसे जैसे अब इसके ऊपर इसको बिछा के इस पीछे वाले पार्ट की कटिंग करके निकाल देना है। अब नीचे साइड में एक्स्ट्रा लिंक फोल्ड के लिए आगे वाले पार्ट में लैस दिया, पीछे वाले पार्ट में मैं एक्स्ट्रा ली हूँ। अब इसको एक कुटका लगा देना है, यहाँ पे एक कुटका ही तो पे लगा देना है। चारों पार्ट को लेना है, कमर में भी लगा देना है एक कुटका, एक कुटका यहाँ भी लगा देना है। अब इसको हारमोन की गोलाई चेक करना कितना आ रहा है, तो बाजू की कटिंग करना, यहाँ पे रखना इंची टेप और यहाँ से ऐसे चेक करना कितना आ रहा है। यहाँ पे आ रहा मेरे मेजरमेंट में 8.5 इंच। अब इसको साइड में कर देना है।
अभी जो कपड़ा बचा हुआ है अब इसको पहले डबल फोल्ड में बिछा देना है। पहले दो फोल्ड में बिछा ले रही हूँ। फिर एक एक फोल्ड एक पार्ट और बिछा देना है। तो ये चार फोल्ड हो गया है। अब इसको चार फोल्ड में मैं बिछा दे रही हूँ। अब इसकी चौड़ाई चेक करना कितना है। इसकी चौड़ाई है इसमें 10 इंच। बाजू की लंबाई मैं ले रही हूँ टोटल 19 इंच। अब यहाँ पे सीधा इसको मार्कर कर देना है। अब यहाँ से 3 इंच लेना है, इसको भी सीधा मार्क कर देना है। अब मोहरी के लिए मैं ले रही हूँ 5 इंच 5 इंच। अब यहाँ से इंच टेप रखना, देखना है हर मोड़ की गोलाई।